ट्रीटमेंट ऑफ क्लाप्टोमीनिया अब हम बात करेंगे कि क्लैप्टोमीनिया की जो है वो ट्रीटमेंट हम किन मैथड से कर सकते हैं डेफिनेटली इसमें नंबर वन जो है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूजुअली जो है वो एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं दैन वी विल टॉक अबाउट द बिहेवरल थेरापी सो बिहेवियल थेरापी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग द बट वी विल डिस्कस यू जिनमें से जो पहली uh, टेक्निक है दैट इज द कोवर्ड सेंसटाइजेशन कोवर्ड सेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि uh, जो इमेज uh, होता है फॉर एग्जांपल इफ द इफ द पर्सन वॉन्ट टू स्टील समथिंग तो हम उसे एसोसिएट कर देते हैं विद द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लाइक द पर्सन हेज बीन अरेस्टेड एंड विल गो इन द प्रजेंट और हम उस चीज़ को उस वक्त तक एसोसिएशन इसकी बिल्ड करवाते रहते हैं जब तक कि उसकी अर्ज टू स्टीलिंग जो है वो रिड्यूस ना हो जाए फॉर एक्ज़ाम्पल हम बंदे को ये कहेंगे ओके जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन द मॉल और आपने वहाँ से कोई चीज़ जो है देखी है अब वो जो भी उसने चीज़ देखी है उसको वो चीज़ देखने के बाद उसमें ये अर्ज आई है कि मैं उसको क्या करूँ स्टील कर लूँ और उसने वो चीज़ स्टील कर लिया अब स्टील करने के बाद क्या हुआ है कि उसने उसकी जो प्लेयर जैसे ही उसने प्लेयर फील किया है हमने उसी वक़्त उसे ये कहा ओके जस्ट इमेजन कि आप उसी वक़्त जो है आपको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है एंड देन पुलिस ऑफिसर टेक यू टू द पुलिस स्टेशन और वहाँ जाके जो पूरा प्रेजेंट का एक्सपीरियंस uh, है वो उसको एक्सपीरियंस करेगा और उसको साथ उसकी जो नेगेटिव एसोसिएशन है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह जब उसे ये जब उसकी एसोसिएशन इस चीज़ के साथ बेल्ट हो जाएगी कि अगर वो स्टील करेगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस उसे फे, आ, फेस करने पड़ेंगे तो वी आ, वी सेट के उसके जो जो बिहेवियर है स्टीलिंग का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा दैन हम क्या करेंगे कि हम जो पॉजिटिव री है आ, उसके जो वो एसोसिएट करता है पॉजिटिव जिस तरह प्लेयर को फील करता है बाई गेटिंग एनी आइटम तो हम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे कि वो जो प्लेयरेबल एलिमेंट है वो उसका जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि वो दोबारा से दोबारा से वो एक्ट जो है वो ना करें वी कैन डू दिस थिंग बाई डूइंग द मतलब सर्टन टाइम पीपल सेट के अगर आप उसको माइल्ड uh, लेवल के इलेक्ट्रिक uh, शॉक दें तो उससे भी ये चीज़ जो है वो कम हो सकती है या आह uh, but definitely it is something which is very आह uh, should be done under the supervision and not anyone can do that thing और इसके साथ साथ अगर आप उसको आह uh, like you just आह uh, uh, try to give some sort of positive आह uh, punishment to that person ताकि उसके जो positive reinforcement है और वो वहाँ से आह uh, खत्म हो जाए then आह uh, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो non impulsive behaviour है हम उसे reinforce करें for example अगर आप बच्चे को बाजार लेकर गए हैं और एक दिन उसने चीज़ को स्टील नहीं किया तो चूंकि उसने चीज़ स्टील नहीं की इसलिए आप उसे री करने के लिए यू विल गिव समथिंग पॉजिटिव जिस तरह आप सोशली प्रेस कर सकते हैं उसे या आप उसे कोई टेंजेबल थिंग दे सकते हैं ताकि वो उसको ले उसको इंजॉय करे ठीक है तो जो उसका प्रो सोशल बिहेवियर है हम उसको क्या करेंगे री करेंगे रादर दैन के जो उसका एंटी सोशल बिहेवियर है हम उसको डिस्कस करना शुरू करें तो वन एवर ही शोड द नेगेटिव बिहेवियर यानी क्लाप्टोमिया का बिहेवियर वो शो करेगा और कोई चीज़ स्टील करेगा तो हम उसको अटेंड नहीं करेंगे लेकिन जिस दिन वो वो एक्ट नहीं करेगा हम उस बिहेवियर को अटेंड uh, करेंगे और हम उसको प्रेस uh, करेंगे थैंक यू